अपन ने चारों वाणियों की परिभाषा, उनके ग्रंथ, उनका प्रयोजन, ये अपन ने अब तक पढ़ा है। अपन आगे पढ़ते देखो, एक अपन ने कहानी भी ली थी अपन ने, और उस कहानी के माध्यम से समझाया था। एक अनियोग पे वो अपन ने कहानी घटी थी और बाकी तीन अनियोग पे घटाना बाकी। ध्यान है कहानी? हाँ। तो यद्यपि वो प्रयोजन की सिद्धि हो गई। क्या प्रयोजन की? बेटी को मारना बेटे ने बंद कर दिया। भले ये बात बहुत छोटी सी थी और ये सत्य नहीं भी थी, लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया। और सत्य एक अपेक्षा से नहीं थी, लेकिन एक अपेक्षा से सत्य थी। खोटा काम किया था, खोटे काम का फल खोटा मिला। बहन को परेशान करता था, इसलिए पांव में कांटा लगा है, इसलिए कहा। और उसने बहन को परेशान करना बंद कर दिया, माँ का काम सिद्ध हो। जैसे जिनवाणी माँ पाप का फल खोटा बताती, पाप करना बंद कर देता है, उसको जिनवाणी का प्रयोजन सिद्ध हो। पाप का फल अच्छा दिखला है, तो पुण्य का अच्छे काम का फल बुरा दिखला है, तो वो झूठ है। अच्छे का अच्छा दिखाया, बुरे का बुरा दिखाया। ठीक है, कहानी ध्यान। अब देखो क्या हुआ। अब उसने बहन को तो परेशान करना बंद कर दिया, अब माँ और बेटे फिर रास्ते से जा रहे थे। बेटे को फिर कांटा लग गया। अब बेटा चिल्लाया, माँ एक कांटा लग गया है, और अब तो मैंने बहन को परेशान करना ही बंद कर दिया, फिर ये कांटा क्यों लगा है? अब तक तो तुमने मेरे को कहा कि मैं बहन को परेशान करता था, इसलिए मेरे को कांटा लगा है। अब तो मैंने बंद कर दिया ना, अब कांटे भी लगने चाहिए, फिर ये कांटा क्यों लगा है? तो माने कोई बात नहीं, एक ही अन्य हुआ है, दूसरा हो रहा पास। तो बेटा जो लोग सामने देख के नहीं चलते ना, उनको कांटे लग जाते हैं, इसलिए अपन लोगों को देख के चलना चाहिए, हर काम देख के करना चाहिए। चलो तो देख के, खाओ तो देख के, पेटो तो देख के, हर क्रिया में यत्न पूर्वक आचरण करना चाहिए। बिना देखे वाले कुछ नहीं काम करना चाहिए। जो लोग देख के नहीं चलते, उनको कांटे लगे, तो ऊपर देख के चलोगे तो पीछे पाँव में कांटे लगेगा, और देख के चलोगे कांटे नहीं लगेंगे। कौन सी बात है? चढ़ना नहीं है। उसने उत्तर कहाँ से दिया? आचरण की तरफ से। ऐसा क्यों हुआ? आचरण खुद देख के आचरण करो, योग के आचरण करो। क्या? देख के चलो, देख के खाओ, देख के पियो, शुद्ध भोजन करो, मर्यादा से रहो, न्याय नीति पूर्वक जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्याय नीति पूर्वक जीवन जियोगे तो खुद को भी दिक्कत होगी, दूसरों की भी दिक्कत करोगे। क्या? तो न्याय नीति सिखाता है, और हर कार्य में यत्नाचार करना, कितना चार पूर्वक रहना, ये सिखाता है। मतलब आचरण को बताने वाला चरणा योग है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। यदि हमारा आचरण खोटा होगा तो हम वर्तमान में दुख पाएंगे, देख के नहीं चलेंगे जीव हिंसा भी होगी, और हमारे पाँव में कांटे भी लगेंगे। देख के नहीं खाएंगे, भक्ष नहीं खाएंगे तो जीव हिंसा भी होगी, बीमार भी रहेंगे। योग आचरण नहीं करेंगे तो दुखी भी रहेंगे, पाप भी बांधेंगे। इसलिए योग आचरण से केवल ऐसा नहीं है कि केवल पाप ही नहीं बनता है, तुम्हारा वर्तमान जीवन में सुखी रहता है। चरणानि योग अपने वर्तमान जीवन को भी सुखी बनाने के लिए है कि ये मतलब वर्तमान जीवन में कष्ट नहीं आए, अत्यंत शांति और सुख से तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको। क्या? बिना कोई तीव्र संक्लेश के जीवन में स्वस्थ सुखी रह सको, मतलब जिसको सुखी लोग कहते हैं उस प्रकार से जीवन जी सको, उसके लिए चढ़ना नहीं हो। कहता है कि तुम्हारा गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए? खाना है तो दिन में खा लो, कौन मना करो। पानी पीना है छान के पी लो, देख के करो जो भी काम करना,
सब्जी खानी है तो जमी गंज छोड़ के खा लो, भोजन करना है तो घर का कर लो, होटल का मत छोड़ो। देर जल्दी सो ना रात को, सो जल्दी उठो, सब काम सब व्यवस्थित करो। ऐसा तो ही चढ़ना नहीं हो, पूरी जीवनचर्या को बताता है सुबह कितनी बजे उठना, कितनी बजे सुबह खाना और कितनी बजे शाम को खाना और शाम को कितनी बजे सोना और कम से कम टीवी देखते देखते नहीं सोना, चढ़ना नहीं सिखाता है सब बातें। यदि वर्तमान जीवन में भी तुम्हें सुख शांति प्राप्त करनी है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आए जीवन में, बहुत व्यवस्थित जीवन जीना है, तो डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। तुम डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो दिख जाओगे। शरीर भी महा दुखी रहता उससे एक तो, दूसरी बात जीवन में भी मतलब तुम अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहोगे। और क्या होगा, कौन सी समस्या आ रही है, कभी कौन सी, कभी शारीरिक, कभी सामाजिक, कभी आर्थिक, कभी लौकिक, चलती रही। अनडिसिप्लिन लाइफ में क्या होगा, यही होगा क्यों होगा। इसलिए वो तो बहुत संतोष, शांति, धीरज सब सिखाता है, सब बातें क्या जीवन में भी यदि तुम्हें एक मतलब व्यवस्थित जीवन जीना हो, ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, निरापद जीवन जीने के लिए भी चरणानियों का पालन अति आवश्यक है। नहीं तो बहुत तकलीफ ही तकलीफ है जीवन में, समस्या है समस्या, संकट ही संकट है, कई तरह के संकट, कितनी समस्याएं घरेलू में, सामाजिक में, आर्थिक, पारिवारिक, करियर, किसी को काय की, किसी काय की, सब क्यों है। इन सभी कारण है कि लोगों का जीवन शैली बड़ी अव्यवस्थित रहती, कब तो सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब क्या खा रहे हैं, कब कहीं का कुछ भी खा लिया, कुछ पहन लिया, कुछ उठ लिया, कुछ कर लिया, क्या होएगा। मैंने असफलता के कारण जो है हमारा बहुत एक तो संतोष नहीं है जीवन में, और चरणा नियोग के अनुसार जो न्याय नीति और सदाचार होना चाहिए वो नहीं है, तो तकलीफ होती। अन्याय, अनीति और अभक्ष, ये तीन चेहर है, अन्याय, अनीति और अभक्ष। अभक्ष तो अपने खाने पीने में आ गया, अभक्ष पे तो पूरा जोर खेल कहने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, उसको तो सब पूरी दुनिया धर्म समझती है। अन्याय नीति भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने भाई पे केस लगा दे, रात को पानी भी नहीं पिए और भाई पे केस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धर्म उतना ही समझ रखा है, रात को पानी नहीं पीना, जबकि ये बहुत बड़ा अनीति है। और लौकिक राजकाज का भी कोई डर नहीं, मतलब राजा के नियम सरेआम उल्लंघन करे कोई वो नहीं चलता है। तो वो कहते हैं ये मतलब इसका मतलब ये है कि एक कपड़ा तो बहुत अच्छा है और बाकी दो कपड़े कुछ गंदे हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजें आती है इसमें। खाना पीना तो तुम कितनी देर खाओगे, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, कितना भक्ष खा लोगे, लेकिन दिन भर जो तुम लड़ रहे हो अपने भाई से, तो वो धर्म के हिसाब से आता है क्या, वो सही काम है। साधारण किसी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अब ये जैन समाज की हालत क्यों है ये सब इसी है, क्योंकि ये कोई धर्म का अंश भी नहीं है। धर्म सीखो तो साधर्मी के प्रति तो गाय के बछड़े जैसा प्रेम होना चाहिए, आपस में उलझ रहे हैं बेकार कोई मतलब की। तो नीति नहीं सीखी अभी इन्होंने, इनको क्या सिखाया अपन की मोक्ष मार्ग में लगाओ, क्या मोक्ष मार्ग है। नीति होती है ना, कोई नीति भी चीज होती है कि भाई यदि अपना समझ लो, अपना कोई सगा है, भाई है, बंधु है, तो उससे स्नेह से रहना और 2 रुपए का गम खाना तो ले जा, ले जा, तेरे को चाहिए तू ले, समझ ना। ऐसा ये नहीं कि यहाँ खाने पीने में तो बहुत चुस्त, इधर 16 और इधर दुकान में जाके 10% 10 रुपए सैकड़े का ब्याज पर पैसे लगा दो,
तो वो एक तो हम ऊपर इतना ऊंचा और एक तो लोग कहते भी उनकी दुकान पर देखा नहीं है कि दुकान पे असलियत देखना था। 10 का मतलब 3 हो 2 हो 4 हो जो भी है जो भी। तो ये सब चढ़ानियों को सिखाता है। चढ़ानियों केवल खाने पीने का नाम नहीं है। 99 लोगों ने मान रखा है कि चढ़ानियों मतलब केवल जीरे की कितनी मर्यादा है ना, जीरा खाना है नहीं खाना ना, ये दूध दही ये सब इतना ही नहीं है चढ़ानियों के। तो जरा सी बात है चढ़ानियों का 10% है पूरा जिला का पढ़ना। आप देखोगे कि ये खाने पीने की चीज तो उसमें केवल 5% कही है, बाकी बहुत चीजें कही है उसमें 95% कि अपना जीवन सत्यमय हो, चोरी न हो, परधन की चुराए परधन के हरण करने का भावना न हो, ब्रह्मचर्य से रहें, हरिग्रह की एक सीमा हो, व्यर्थ में किसी का दिल न दुखाए, जीवन में अहिंसा रूप आचरण हो, ये सब चीजें ही है। और ये क्या है, कोई अध्ययन नहीं है और बस खाने पीने को धर्म समझ रखा, वह उत्तर कर रखा है और कुछ नहीं, गोल एकदम जीरो। मतलब चढ़ानियों में कहाँ पाल रहे आपके फिर वेग तो होता है, चढ़ानियों में पाल रहा हुआ दिखे तो। उस सबका कारण यह है कि लोगों को तत्व ज्ञान का अभाव है। वो वास्तव में अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं करते, वो तो दिखावा दुखी भी जो समझ में आ जाता है जितना जिससे दिखावा हो जाता है उतना कर लेते हैं, जबकि सिखाता है। तो वो चीजें इतनी मतलब जैसे एक तरफ तो महा मतलब वो करे मतलब गूढ़ तत्व ज्ञान की बात है और दूसरी तरफ अपने बच्चे बच्ची की शादी में रात को खिला उसे पूछो क्यों ये क्या कर रहे क्या कर रहे साहब, बच्चे बच्ची मान नहीं रहे थे। अच्छा तुम खड़े थे साफा पहन के आगे आगे मान नहीं रहे थे, तुम कहते उनको कि तुम ये करोगे तो मेरी ना होगा खत्म बात, पैसा पूरा देके जाएंगे उनको, मंदिर के लिए कुछ चीज मांगो तो बोला अरे साहब पूछना पड़ेगा देखना पड़ेगा, संपत्ति पूरी बच्चे बच्चे को देके जाएगा सब उनके लिए कर रहा है, क्या रहे मान नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे क्या नहीं मान रहे थे। तो अंदर कुछ नहीं उतरा है 1% में, भले ही वो समय साहब पढ़े थे प्रवचन साहब पढ़े थे कुछ भी पढ़े उसमें अभी इतनी बुद्धि नहीं आई है तो मैं उसको क्या समझाऊंगी ये चुपा इतनी चीज समझ नहीं आती उसको, रात को खिलाना नहीं चाहिए सबको जमीन और ये अच्छा बख्श नहीं खिलाना चाहिए और रात को पार्टी भी देनी चाहिए। मतलब इतने साल तक पढ़े थे पंडित जी के ऊपर कालिक पोत दी लोग कहते हैं तुम्हारे सब श्रोता मालूम ना होंगे क्या क्या अपन बताओ अपने जरा से भी अपने को कोई चीज जमती नहीं बच्चे बच्चों की तरफ करते हैं डट के उसका विरोध करते हैं नहीं पढ़ाई कर रहा तो करते हैं नहीं करते ये चीज कैसे मान ली जाए और इसमें क्या नुकसान क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ा बिगाड़ हो रहा है, तेरी शादी तो कर ही रहे ना फिर कोई कुआना थोड़ी रख रहे और खिला भी रहे दूसरी बात अच्छे डबल खिला रहे, लेकिन ये रात को क्यों करना दिन में कर जो भी करना अच्छे से खाओ पियो बढ़िया करो उसमें धन भी कम खर्च होता है हिंसा भी कम होती और रात्रि में असंख्या जीव हिंसा होती रात तक बर्तन पड़तन महा घोर आरंभ खराब परंपराएं चल डलती क्या अन्य अनेक लोगों को अपन उसकी करने की अनुमोदना करते हैं पाप की अनुमोदना करते हैं और हजारों लोगों को एक साथ खिलाते तो हजारों लोगों की एक साथ रात के खाने का पाप लगता है, ये सब छोटी चीजें डल चुकी है। तो ये एक तरफ तो ये सोलह करे और दूसरी तरफ ये काम सब करे क्यों दिखाने का शौक है क्या करो हर चीज में दिखाना क्या ऐसे ऐसी है महामूर्खता है संसार में क्या कहो उसके लिए होटलों में देना पार्टियां जहां मक्ष बनता हो मांस तक परोसा जाता हो उन होटलों के अंदर पार्टियां करना शादी ब्याह की ये सब क्या है ये सब ये चढ़ना नहीं होगी सिखाता भैया अपने धन का अपना धन जो देते हैं ना कभी भी धन खर्च करते हैं तो वो साधर्मी के साथ ही करते हैं, मैंने हम जो अपना धन देंगे किसी को यदि खर्च करेंगे तो हम जिससे साधर्मी को एक रुपये की कोई आमदनी हो जाए 10 पैसे का कोई लाभ हो जाए वही उसी को देंगे, वहाँ मंदिर को लाभ हो जाए हमें धर्मशाला को लाभ हो जाए तो वहाँ प्रोग्राम कर लेंगे
क्या अपने समाज को धन जाए उसका, उसका कोई उपयोग हो अच्छा, दो दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ऐसा काम नहीं हो सकता। तो ये एक ही बात नहीं, हजारों बातें हैं चरणा नियोग की। और चरणा नियोग सबसे पहली बात होती है कि अपना जो व्यवहारिक जीवन है उसमें सत्यता, सरलता, सदाचार, न्याय नीति ये सिखाता है। अन्याय नीति का व्यवहार करना नहीं सिखाता, क्योंकि अपने खाने पीने की हिंसा से ज़्यादा अनंत गुणी हिंसा अपने परिणामों की है। यदि अपने परिणामों में कषाय तीव्र है, लोभ तीव्र है, तो पाप तो बन ही रहा है। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग समस्याओं में उलझते हैं ये सब तीव्र लोभ से, लालच से, असंतोष से, इनसे उलझते हैं। धर्म की दृष्टि से कोई चले तो मैं कहता हूँ जीवन में उलझ नहीं सकता, क्यों उलझे? क्या सब उसका पैसा चला गया, क्यों चला गया? सट्टे में लगा, तो सट्टा खेलने का धर्म था, सट्टा खेलना पहले दिन मना किया था जीवन जीवन में, तो वो भी लगा एक के दस लगा, लग गया एक के दस। तो इसलिए ये सब चीजें मतलब ये वो वहीं से कंट्रोल करता है कि तेरी कषाय बंद होगी तो उलझेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी संसार में उलझने के कारण सब कषाय के कारण, तीव्र लोभ है, तीव्र लालच है, उधार ले लेगा काम बड़ा, अब पैसे है नहीं जेब में देने की, तब क्या करेगा? आकुलता रहती है, संकोच होता है। वो कहता है भाई अपना उक्ति चादर फैलाओ, नीति नीति होती ना, अपना उक्ति पाँव फैलाओ, क्या जितनी अपनी बड़ी चादर, यदि ज़्यादा पाँव फैलाया और चादर छोटी है तो अपने थोड़ा धर्म ध्यान छूट जाएगा और धीरे धीरे संकट होगा। इसलिए पहले अपने को जीवन में करना कितना है, क्या कितने दिन रहेंगे यहाँ और कितना चाहिए और कितने से अपना जीवन चल सकता है, इस सब का अनुमान नाप तो करें। क्या अपन अपने जीवन का कर तो सकते हैं ना, अपन कितना खर्च कर रहे हैं, कितना भोग रहे हैं और कितना जोड़ रहे हैं और कितने दिन रहेंगे और कितने दिन अपन इसको खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं यही जोड़ जोड़ के चले जाएंगे, ये हो तो यही नहीं खर्च पर जुड़ते जा रहे हैं तो जोड़ जोड़ के कहाँ जाएंगे पर वो हमें पाप बांध के ले जाएंगे, इसका जितना भी जोड़ा हुआ करेगा धन सामग्री तो एक भी साथ में नहीं जाएंगे। तो ये सब वैराग्य की बातें बताता है, वैराग्य, न्याय, नीति और अभक्ष, इन तीनों का वर्णन है। और फिर उसके लिए व्रतों का है, ये सदाचार है, क्या है ये व्रतों को अपन बोलते हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, लेकिन ये सामान्य जीवन में आदमी के सादगी और जीवन में सत्यता हो, छल कपट नहीं करे आदमी, ताकि उसका व्यवहार इतना प्रामाणिक हो कि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आए, खुद को भी नहीं आए उसको, खुद को भी दूसरे को भी नहीं आए। क्या इस ये तो ही नहीं कि अपन ने कोई व्रत ले लिया, मैंने प्रतिमा ले ली और प्रतिमा ले लिया, लोग कह रहे भैया ध्यान रखना है इससे बहुत खतरनाक आदमी, क्या कब इधर का उधर कर देगा, ठिकाना नहीं इनका, तो वो क्या है उसके कोई प्रतिमा का कोई मतलब नहीं क्या उस प्रतिमा का, कहने को मैंने कह दिया मैंने पाँच अणु व्रत ले लिए, मैंने व्रत प्रतिमा ले ली, लेकिन व्रत प्रतिमा ले ली, व्रत प्रतिमा का मतलब तो बहुत बड़ा होता है, उसका मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, यहाँ क्या बोलना वहाँ क्या बोलना, व्यवहार एकदम प्रामाणिक होना, जैसे रामचंद्र जी की वाणी थी ना सर प्राण जाए को बच्चन, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो होता है उसका मतलब होता है लोग उस वाणी को फिर एकदम सर माथे पर रखते हैं कि भाई इसने बोली ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है, उनकी वाणी को सुनने के लिए लोग उतारू रहते हैं, जिनकी वाणी की भरोसा नहीं, अभी अपने सामने क्या बोले दूसरे तू भी ठीक ये भी ठीक वो भी ठीक, ठिकाने ही नहीं ना, मतलब छल कपट करते नहीं करते लोग, कितनी महादोगलाई गिरी लाइफ में, समझ में नहीं आता कि क्या किस तरह का व्यवहार है, क्या क्या करना चाहते हैं, आपसे क्या बोले करे कुछ, तो वो कहता है कि ये क्या है, और उससे वो जीव खुद भी दुखी रहता है, ऐसा नहीं दूसरे ही दुखी होगा, स्वयं भी दुखी अन्य भी दुखी। तो ये व्रतों का मतलब केवल कोई रूढ़ी लेने रूढ़ी से ले लिए मैंने वो नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें वो जीवन में उस तरह का आचरण तुम्हारा हो है, क्योंकि ये तुम्हारे सुखी बनाने के लिए स्वयं को भी और दूसरों को आया समझ। तो अब उसने जो है ये काम करना बंद कर दिया, क्या करना था बिना देखे चलना बंद कर दिया, सामने देख के चले लगा, अब कांटे भी लगना बंद हो गए जी सही। अब इतने में क्या हुआ, एक दिन फिर जाता था बस्ते,
अब उसको फिर डांटा लगे। उसने माँ से कहा कि माँ अब तो हद हो गई, देखो मेरे बहन को परेशान करना बंद कर, मैंने सामने देख के चलना चालू कर दिया और फिर भी कांटा लग गया, अब क्यों लगा ये कांटा? माँ ने कहा बेटा जब पाप का उदय आता है तो अच्छे अच्छे को कांटे लग जाते हैं, तुम किस खेल की मूली हो कि मैं इतना देख के चलने लगा, कितने ही देख के चलाऊ लेकिन जब पाप का उदय आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। रास्ते में कांटे तो होते ही छोटे छोटे कांटे, मिट्टी में देख के भी चलो लग जाए, इसमें कारण कौन है? तुम्हारे पूर्व प्रत पाप का उदय। ये कौन सा नहीं होगी? करना नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन बहुत बढ़िया हो, कोई काम नहीं, गलत काम करे नहीं आदमी, और फिर भी उसको कोई तकलीफ आ जाए, साफ गर्म पानी पीने वाले लोग, तब बिल्कुल उनके हमने जीवन में पाप में देखा, एकदम सुबह शाम तक मंदिर पिटने वाले, वास्तव में बाहर में बिल्कुल सदाचार से जीने वाले, न्याय नीति पूर्वक जीने वाले, फिर भी बोले उनकी भी बीमारियां होती, तकलीफ आ जाती, निर्धनता आदि लोग आ जाते, तो क्यों आ जाते हैं फिर? ये तो इतना अच्छा जीवन जी रहे ना। तो बोले भैया ये इस भाव की कमाई नहीं है, ये पूर्व की पाप का उदय है, इसने पूर्व में कोई तीर पाप बांधा था उसके उदय से ये सब अवस्था हो रही है। अभी तो ये कोई खोटा काम नहीं कर रहा था, अभी तो पुण्य मांग रहा है, लेकिन पहले का कर्जा इतना है नहीं ठकर, जैसे किसी के बाप दादा का कर्जा खूब हो, खूब मेहनत करे, खूब कमाए, लेकिन क्या करे, पिताजी ने इतना कर्जा ले रखा कि चुकते ही नहीं, खूब कमाते जाते चुकते ही, बड़े मुश्किल से कमाते जाते, इसलिए दिखता कुछ भी नहीं बाप, लेकिन फिर भी वो कमाने वाला व्यक्ति एक दिन उसकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके बाप दादा खूब भरा हुआ है तो खूब खर्च करता है तो भी लोगों को खूब दिखता है, लेकिन वो खर्च करने वाला एक दिन दिवालिया निकलने वाला है बहुत जल्दी। भले अभी आपको खूब दिख रहा है, वो दिख रहा है इसलिए क्योंकि ये पूर्व का है, पहले का खूब छोड़ के गए इनके पिताजी वो है, तो ऐसे किसी जीव के पूर्णकृत पुण्य का उदय हो इतना अधिक, इतना बांध के लाया है तो खूब पाप करता हुआ भी नहीं, सब पाप करते हैं, सारे पांच पापों में लीन, सब जैसे में लीन, और फिर भी बाल बाका होता हुआ उनका देखने में नहीं, पहले का इतना बांध के लाया, और अपन सब न्याय नीति पूर्वक काम करो, सब करो, अपने पूर्व का भी पाप का उदय है और उसका प्रभोग है, इसमें अपने ही कर्म का उदय है, कोई दूसरे का कुछ नहीं है, अपने स्वयं के बांधे हुए कर्म का अपराध है, और वो अपन नहीं बांधे हैं, उस व्यक्ति का भी दोष नहीं है जिस जो अपने प्रति कुछ भी गलत कर रहा है, इसमें सारा दोष अपना खुद का पूर्व का, वो तो बेचारा निमित्त मात्र है, वो क्या करेगा, अपन उसके प्रति क्रोध करते हैं, अपने भाव आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल निर्थक है सब भाव, क्योंकि इसमें असली अपराधी तो अपना पूर्वकृत पाप का उदय है, अपन देखते भी है नहीं देखते क्या, तो ये अनियोग ऐसा है जो कि कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं नहीं तो, अरे हमने अच्छे अच्छे धर्मात्मा देख लिया, अच्छे अच्छे जो उनके भी तकलीफ आती होती धर्म से क्या हो जाता है, और हमने अच्छे से अच्छे पापी भी देख लिए, खूब पाप करते फिर भी उनको तकलीफ नहीं आती, भैया ये सब पहले का भी तो कुछ चीज होती है, आदमी बचपन से पहले का भी कुछ माल लेके आता है कि नहीं आता है, पुन्नी लेके आता होता तो एक बच्चा तो सीधे बचपन से गरीब क्या पैदा होता है, पैदा होते उसके माँ बाप मर जाते हैं, अपंग होता है, रोगी होता है, कचरे में से सामान बीन के खाना पड़ता है, कोई पालने वाला नहीं होता, सुबह रोज सुबह उठ के चिंता होती है कि आज खाना खाने को मिलेगा, और एक ऐसा जगह उत्पन्न होता है लोग उसको खिलाने के लिए तत्पर रहते हैं और खाना छोड़ छोड़ के भागते रहते हैं, तो कुछ लेके आया कि नहीं पहले से, नहीं तो सबके साथ एक सही होना चाहिए ना, एक जैसे ही जगह क्यों नहीं पैदा हुआ सब, कोई कहाँ कोई सीधे निर्धन क्या हो रहा है, कोई अमीर क्या हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है बचपन से, कोई अच्छा निरोगी हो रहा है, ये सब डिफरेंस देखने में क्यों आ रहे हैं, प्रकृति को तो सबके साथ एक सा न्याय करना चाहिए, सब एक से होना चाहिए, एक जैसी जगह उत्पन्न होना चाहिए, एक सी उनकी अवस्था होनी चाहिए शरीर की, नहीं होती, इधर क्या कारण है, कोई कारण के बिना बिना कार्य हो रहा है,
यदि प्रकृति को न्याय करना चाहिए तो सबके साथ एक साथ न्याय करना चाहिए ना, फिर इतनी विभिन्नताएं क्यों देखने में आती है भाई। ये सब कोर्ट का लेके आया, बच्चा लेके आया जो सीधे बिल गेट्स के पैदा हो गया, तो पहले मांगा उसने, उसमें क्या उसके पिताजी उसके लिए तक मांगे छोड़ दे लो। और जो बचपन से ही तकलीफ में है तो पहले से पाप बांध के आया, तो जन्म जब उसने लिया तभी वो यही उसी आधार पे उसने एक उच्च गोत्र में जन्म लिया, एक नीच गोत्र में, क्यों? क्योंकि उसने पीछे ऐसा बांधा, एक मनुष्य बन रहा है, एक तिरंज बन रहा है, ऐसा क्यों? उसने वैसी कर्म सबके सारे मनुष्य बन जाते, सभी एक से हो जाते, सब तिरंज हो जाते, सब पुरुष हो जाते, सब स्त्री हो जाते, सब निर्धन होते, सब अमीर होते, सब रोगी होते, सब निरोगी होते, कोई ऐसा नहीं, सब अपने अपने कर्मों का भिन्न भिन्न फल हो। कर्मों की स्थिति भी बहुत अलग अलग तरह की, बहुत प्रकार की, किसी के शरीर ठीक है तो ज्ञान कम, किसी के ज्ञान अच्छा है तो शरीर में लोग, किसी के ज्ञान भी अच्छा है शरीर भी अच्छा है तो भाई और कोई असाता का होता है, अपयशकृति का अयशकृति का होता है, किसी के स्वर अच्छा हो, किसी को दांत में प्रॉब्लम, किसी को क्या दिक्कत, कितनी समस्या है। मैंने कर्म भी एक दूसरे को काटते नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञानवर्णी का उदय कम है तो बाकी सबका भी उदय कम होगा, कुछ ज्ञान का उदय कम हो उन्हें ज्ञानवर्ण का अच्छा क्षेत्र अच्छा ज्ञान, लेकिन बाकी तीव्र उदय हो सब तरफ से, असाता का उदय हो, समस्या हो जूझता हो, और किसी को दूसरी कोई समस्या नहीं, माँ बूढ़ के नहीं, अकल कुछ नहीं, फिर क्या करो, पिताजी की दुकान चलती है, बच्चे दुकान बढ़ी ना क्या, उसमें 2 रुपये की चीज 2 रुपये 20 पैसे बेचनी फिक्स है उनका काम, बेचते आ रहे हैं कर रहे हैं दुकान चल रही है चल, ऐसे बहुत लोग कुछ हितायत का कोई विचार ही नहीं, करना क्या है सुबह उठ के दुकान पर आ जा बैठ, शाम तक क्या करना है दुकान पर बैठना, रात को गए मंदिर में क्या हो रहा है कुछ भक्ति कर ली थोड़ी भक्ति कर पुरा दिया आगे घर सो गए, ऐसे बहुत लोग कोई ऐसी कोई मतलब विचार विवेक करे मेरा हित किस में, कहाँ जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, इन भावों का क्या फल लगेगा, ये जीव संसार में इतनी विचित्रता क्यों है, इतने दुख क्यों है, तो ऐसे विचार नहीं होते कई लोगों के, नहीं होते उत्पन्न होते हैं बहुत, ऐसी बुद्धि तो बहुत किसी विरल जीव को उत्पन्न होती, धन कमाने की बुद्धि तो अरबों लोगों को होती, लेकिन धन कमाने पर भी सुख नहीं होता, सुख का कोई और कारण होना चाहिए, ऐसी बुद्धि अरबों में किसी एक को होती, क्या विचार नहीं होता ऐसा कि ये अपने को जाना भी है यहाँ से मर के भी, तो ये सब क्यों है ऐसा, ये सब किसी के मोह का तीव्रता है, मोह के महातीव्र मोह होता है, तो ऐसे जीव को तत्व की बात धर्म की बात रुचि नहीं, विचार ही नहीं आता है, क्या मतलब ये बात समझे सोचे विचार करे धमाधम करा लो, लेकिन ये विचार करने की बात नहीं, विचार का काम बंद, तो ये ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं सब तरह की, कितनी वैरायटी देखते हैं संसार में, सब जीवे नाना प्रकार के जीवे, नाना प्रकार के उनके भाव है, नाना प्रकार के उनकी दशाएं, किसी क्या दशाएं, किसी क्या, तो ये सब करना नहीं बताता है, ये सब कर्मों का खेल है, 8 प्रकार के कर्म है, उनकी उत्तर प्रकृति 148 है, उनके नाना प्रकार के उदय स्थान है, और उन उदय स्थान से नाना प्रकार की विभिन्नताएं संसार में देखने को मिलती है, और ये ऐसा है कर्म की एक किसी को नहीं छोड़ता, ये आपके सामने कोई आ जाए तो चक्रवर्ती तीर्थंकर आ जाए, तीर्थंकर हो बोले सामने कि साहब बहुत पुण्य कर रहे हैं, धर्म बहुत कर रहे हैं, कर रहे हो पहले का पाप कमाया ना, बस ये पत्थर बरसेंगे ऊपर से, कुछ नहीं कर सकते, अभी तो इनके ऊपर जो है ऊपर सर पे कलश उड़ा था और अभी इनके ऊपर पत्थर बरसेंगे, ना बरसेंगे, इनके ऊपर पुण्य था तब कलश भी हो गया,
देवतागण ने बिना बुलाए देवतागण आए और माथे पे जल कलशाभिषेक किया, जलाभिषेक किया और एक हल्का सा देव आया और वो आके पत्थर बरसाने लगी। क्या इसी है, जब पाप का उदय आता था कोई नहीं आता, जब पुण्य का उदय आता था बिना बुलाए लोग आ जाते। जन्माभिषेक में कोई गुलाने तो नहीं जाना इंद्रों को, खुद आते हैं सब चल के, कोई अपने जैसे नहीं बर्थडे के सर्टिफिकेट बर्थडे गिफ्ट गिफ्ट कार्ड जाने दे जाए आना। और वो भी पहले अपने को कार्ड खिलाना पिलाना पड़े तब वो आए, ऐसे क्यों आए, वो होते रहते ऐसे। तो बर्थडे बर्थडे में करना क्या रहता है, बर्थडे तो आनी है हर एक आदमी का, साथ में हैप्पी बर्थडे के इसमें हैप्पी क्या बात है, क्या है इसमें, हमने क्या किया इसके अंदर। भाई वो दिन आता था तो आप आ गया उस दिन, अब उस दिन मैंने कला के पास मैंने कुछ काम किया हो तो समझ में आया। तो वो कोई अपन तो कितना काम करते हैं उसके लिए, देने जा रहे हैं खिला रहे हैं, बिना खिलाए तो कोई आदमी नहीं फटके, वो कह दो खाना नहीं है ऐसे हैप्पी बर्थडे, नो खाना नो केक नो बर्थडे केक नथिंग नो मीठा नथिंग ऐसे ही। नहीं आएगा ना, तो वो तो वो जन्माभिषेक तो वैसा था जहाँ बिना बुलाए इंद्र आए, और इधर देखो तो जब उनको जरूरत थी वो इतना हल्का फुल्का देव उपसर्ग कर रहा था, अब तक कोई नहीं है सब आया, जबकि वो तो व्यंतर था और व्यंतरों के अधिपति जो उनके राजा थे वो कलश करने आए। मतलब यहाँ तो ऐसा है कि जैसे कोई अभी अपने को प्रधानमंत्री कलश करने आए और अपन नीचे जाए और दो चार जने अपने को मिल मारने लग जाए। एक आम आदमी अपने को परेशान करने लग गया, पत्थर बरसाने लग गया, अब सब गायब हो गए। अब जब जरूरत थी तब आना थी ना, उनको नहीं तीन लोग को कोई नहीं। जब जब वास्तव में जो चीज चाहिए थी जैसे आहार चाहिए था हमको, तो आहार के लिए कोई नहीं आया, कोई क्या देने आया, कोई क्या देने आया, कोई क्या देने आया, कोई आभूषण देने आया, कोई वस्त्र देने आया, क्योंकि हमारी स्त्री हमारी पुत्रियाँ रख ली उनसे विवाह कर ली, लेकिन भाई हमें जो चाहिए है वो देव नहीं, समझ में नहीं आई इनको चाहिए क्या, क्योंकि बोलते नहीं कुछ। तो ये कर्म के उदय का खेल है सब, ये फूल में उन्होंने ऐसा बांधा था भोगना पड़ा। ये तीर्थंकरों के कथानक अपने को बताते हैं कि जब तीर्थंकर जैसे को भी पूर्वकृत कर्म नहीं छोड़ता तो हम आप कौन से महापुरुष है, कौन सी खेती मिलती है, हम तो कुछ भी नहीं है। उसमें चक्रवर्ती है, छह खंड के राजा, मुनि दीक्षा धारण करी 700 वर्ष तक पूर्ण, कौशल सुकुमार मिला सिया खाने। अब यदि चरणानियों की तरफ से देखो तो कुछ उपसर्ग होने ही नहीं चाहिए, इतना इतना शुद्ध जीवन है तीर्थंकर का, तो खासकर इतना परम पवित्र जीवन, उस भाव में उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं, और वो भी मुनि अवस्था में थे, वो तो मुनि अवस्था के पहले गृहस्थ अवस्था में भी कुछ नहीं, उसके पहले भी अनेक भाव में मुनि दीक्षा धारण करते हुए आए, पाप का कोई अंश नहीं, और फिर भी देखो तो ये सत्यु पाप का उदय। अरे तद्भव मोक्षगामी को रामचंद्र जी को अपनी पत्नी जो शीलवती स्त्री एकदम, उसको जंगल में छुपाना क्या, यहाँ लोग स्तुति कर रहे हैं लेकिन जंगल में अपनी पत्नी को भेजना पड़ रहा, और जिसका कोई अपराध नहीं, पहले तो पत्नी के पीछे लड़ रहे हैं, पत्नी को भेजना पड़ रहा है क्या करें। तो ये कोई कम मतलब उनके लिए कोई कोई पाप का उदय नहीं था क्या, पत्नी चली गई पता ही नहीं चले कहाँ गई, और ढूंढने के लिए आप लगता ढूंढने के बाद पता भी चल गया कि कहाँ है तो वहां से लाना मुश्किल, उसे लड़ने क्या करो, तो लड़ने के लिए सब काम करना, ले आए ले आ जाने के बाद फिर वो चक्कर,
लोगों की तड़ी हुई। तो वो कहते हैं भाई तुम देखो बड़े बड़े महापुरुषों को देख लो, ये तो नारायण बलभद्र पदवी के धारी थे, अनुभव मोक्षगामी थे, छाइक समय दृष्टि थे, बचपन से छाइक समय लेके आए। बोले इससे उत्कृष्ट धर्म और क्या करेगा जी, छाइक समय लेके आया और ये सब चक्कर पड़े। कुछ कुछ निधत्ती निकाची होते ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कोई इनसे नहीं टकते, वो निकाचित कर्म होते ना, जैसे ना उपकर्षण होता है न उत्कर्ष न उपकर्षण संक्रमण होता है, ऐसे तीव्र परिणामों से जो बांधे गए कर्म होते हैं उनका तो कौन से वो उदाहरण है, वो मोटा उदाहरण, वो प्रथमा नियोग की बात, करना नियोग से तो अलग ही आंसर आया। करना नियोग तो बहुत बारीकी में जाके वैसे हिसाब किताब करता है, करना नियोग तो कहता है कि ये कौन सी प्रकृतियों का पक्का उन समय के क्या परिणाम थे, उसमें कितनी सत्ता स्थिति पड़ी थी, उसकी इतने से कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ी थी, वो तो कोड़ा कोड़ी सागर का समय अब आया है, निरत्ती रूप है, निकाचित रूप है, 10 बातें बताई करेगा, पूरा कर्म प्रकृति की तरफ से बात करेगा, उसका सारा उत्तर करना नियोग के अंदर जो कर्म सिद्धांत है तो कर्म सिद्धांत में सारा उत्तर कर्म की तरफ से दिया जाएगा, इस कर्म को दे इस कर्म को, मैंने उसमें हर चीज का आंसर ये क्यों हो रहा है, ये उस समय के बांधे हुए कर्म का फल, ये क्यों है इस समय के बांधे कर्म का, इस समय वो तो कर्म की तरफ से ही, अभी वर्तमान मनुष्य क्यों है, मनुष्य गति नाम कर्म की वजह से। हाँ, और दूसरी बात क्या होता है, अनेक समय के बांधे हुए जो निषेक होते हैं वो एक समय मिल के उदय आते हैं, तो एक ही समय का निषेक नहीं आता, उदय अनेक समय के बांधे हुए होते हैं, अनेक समय के बांधे हुए सब निषेक मिलके एक साथ उदय में आते हैं। जैसे आज अपन ने 3 महीने की एफडी करी, अगले महीने में आज अपन ने 3 एफडी करी, एक महीने की 3 महीने की 4 महीने की 5 महीने, अगले महीने फिर अपन ने 3 महीने की 4 महीने की 5 महीने करी, अगले महीने फिर 3 महीने 4 महीने 5 महीने करी, तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक ऐसी एफडी रहेगी जो जिस महीने में 2 एफडी पकी, किसी 3 पकी। जैसे पीछे से चालू करेंगे तो हर महीने में जितनी जितनी अपन करते हैं तो हर महीने में पकती जाएगी, मैंने हर महीने में जैसे 1 महीने में 3 कर रहे हैं तो हर महीने में 3-3 पकती भी जाएगी पूरा। अभी आप हर महीने 3 कर रहे हो, 3 समझ लो 1 महीने की 2 महीने की 3 महीने, हर महीने करते जा रहे हो, हर महीने 3 कर रहे हो, हर महीने 3 पक रही है, ऐसे चलता है ऐसे रोटेशन, तो रोटेशन चलता था, 1-3 महीने पहले जो करी थी वो पकड़ी है, समझ में ना, एक कोई 2 महीने वाली पक रही है, एक कोई 1 महीने वाली पक रही है, पकती और वैसे ही अपने आगे की करते हैं, तो उधर रोटेशन में जितना आता है उतना ही जाता है। तो अपन ने कोई कर्म बांधा, किसी की 1 समय की स्थिति, किसी की 2 समय, किसी की 3, किसी 4, जैसे 1 से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक की, अगले समय बांधा उसमें भी किसी की 1 समय की, किसी की 2 समय की, ऐसे फिर इकट्ठे जाएंगे, तो दोनों मिल के इकट्ठे आएंगे ना वहाँ पे, जैसे पीछे से चलोगे तो 1 समय में पूरा जाएगा, वो पूरा स्टॉप हो जाएगा इकट्ठा, जैसे अनेक समय के निषेक आते हैं उदय में, तो वो सब कर्म की तरफ से समझो अपन, तो कर्म का अपना हिसाब किताब कि वो पूरा स्टॉप उदय में आता। हाँ, तो उस भाव में जो भी आना है सब आके खत्म होता है जितना तीव्र से, हाँ सब पूजन सब, मतलब क्या है कि खैर गृहस्थ सब वो स्तुति कर्मों की अंत कोड़ा अपने सागर से ज्यादा कितनी रहती, कम ही रहती स्तुति, और जो कुछ भी होना है सब गृहस्थ अवस्था में मुनि दशा में सब वही स्टॉप खत्म करके चल जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ का जाए वहाँ का भोग, तो वो निरत्ति भी आना है, निकाचित आना है, सब नहीं आना। सब वही आएगा उसी भाव में जिसको मोक्ष जाना है, उसने तो जो जो भी पाप बांधा है पुण्य भी बांधा है वो तो सब कर्म का फल वही मिलना है उसको, क्योंकि आगे भोगने का स्थान है तो पुण्य भी भोगेगा, तीव्र पुण्य तीव्र पाप सब आ जाएगा। तो ये सब कर्म का खेल है जो बताता है कर्मों की तरफ से, तो फिर 8 कर्मों में बताता किन परिणामों से कौन से कर्मों में अनुभाग ज्यादा पड़ता है, स्थिति ज्यादा पड़ती है, क्या सब मतलब वो
कर्म सिद्धांत अपने परिणामों को समझाने के लिए कर्म सिद्धांत थे वो वास्तव में। परिणाम का नापने का थर्मामीटर जो है वो कर्म है, कर्म थर्मामीटर। आपकी कैसे परिणाम है कर्म से बताएगा, कर्म बताएगा कि ये बांधा हुआ है ऐसे परिणाम, लेकिन ये परिणाम है तो ऐसे बंधेगा कर्म। इन परिणामों से ये कर्म बनते हैं और फिर इन कर्मों का जब फल आता है तो ये स्थिति जीव की बनती है। और फिर इसमें एक चीज और है कि ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंट है सब कर्म, कोई आपस में ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में वो हो जाए, जॉइंट हो जाए। कोई ज्ञान अच्छा है तो साता भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान भी हो साता हो लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन सब बन सकते हैं। मैंने एक एक कर्म के साथ आप सारे तरह के कॉम्बिनेशन दूसरे बना सकते हो, सब तरह के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलाउड है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा तो यही होएगा, नहीं ये अच्छा होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, नहीं। यशस्वी कृति का उदय और दांत में दर्द चलता है, लोग यशगान कर रहे होंगे, परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, बुखार आ रहा, दांत में दर्द हो रहा है, लोग जय हो जाए, अरे जय तो लेकिन यहाँ तो कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्म एक दूसरे को अड़ते नहीं ना, एक दूसरे को कुछ नहीं करते कि चलो इसको चेंज कराए, आप नहीं कर सकते। जो जैसा मानता है वैसे ले आता है। क्या तो ये करना नियम कर्म की तरफ से बताए और अध्यात्म में जैसे वो फिर उसको काटा कर दिया। अब बोले कि वहां अब क्या कारण है मेरे काटा लगने में, तो यद्यपि वो कारण तो कर्म की तरफ से भी आंसर दिया जाता है लेकिन द्रव्यनियोग उस तरफ से आंसर नहीं देगा। द्रव्यनियोग तो कहेगा बेटा जब जिस समय जिसकी जैसी परिणति होती है उन्हार होती है उसका वैसा होता है, तेरे काटा लगने का योग था इसलिए तेरे को काटा लगा। कर्म की तरफ से उत्तर नहीं देगा, यद्यपि कर्म है वहां पे लेकिन वो उसका आंसर कर्म से निरपेक्ष आएगा कि इस समय इस द्रव्य की ऐसी ही होनहार थी, तेरे कांटे लगने का योग था, तो कांटे का भी इसी प्रकार का परिणाम होना था इसलिए ऐसा हुआ। जो जो देखी बीत राग ने सो अनहोनी कम हो नहीं हो सिकाई का योग। क्योंकि कर्म की भी एक मर्यादा है, देखो कर्म जो आंसर देगा वो केवल 70 कोड़ा पूरी सागर तक का आंसर दे सकता है कि कर्म कितना पुराना हो सकता है, 70 कोड़ा पूरी सागर। अब मेरे से कोई पूछे कि मतलब जिनवाणी केवल किसी से पूछे कोई करना की अवधि ज्ञानी भी हो कोई और कर्म से भी कर्म को भी जानता हो उससे पूछे कि 80 कोड़ा पूरी सागर बात क्या होगा, तो वो कर्म की तरफ से आंसर नहीं दे सकता कि कर्म तो 70 से ज्यादा होता ही नहीं, तो 70 के बाद में 71 का भी नहीं बता सकता 71 कोड़ा पूरी सागर बात क्या स्थिति बनी, क्योंकि उसके स्टॉक में नहीं होता। जैसे कोई पूछे यदि कर्म की तरफ से कि भाई इनकी अगले भाव के बाद अगले भाव की आयु क्या होगी, नहीं बता सकता क्यों, क्योंकि बांधी नहीं है, एक ही आयु बांधी कर्म, वो तो एक ही आयु होती है, वो एक ही अगले भाव की बनती है, उसके अगले की नहीं बनती। तो कर्म की सीमाएं एक तो कालावधि है उसकी, दूसरा कर्म जवाब देगा तो केवल जीव का ही तो जवाब देगा कि पुद्गल की अवस्था बताएगा, कर्म किसके होते हैं जीव के, और अपने को पुद्गल की भी अवस्था समझनी है कि पुद्गल का क्या होगा, इतने काल बाद पुद्गल का क्या होगा, पुद्गल क्या होता है, पुद्गल मतलब पुद्गल कब से है, कब तक रहेगा, ये प्रत्येक वस्तु कब से है, इसको किसने बनाई है, कब तक रहेगा, ये छह द्रव्यों का कोई वस्तु दुनिया का क्या स्वरूप है, जगह कब से है, इन सब बातों का उत्तर देता द्रव्य जी। क्योंकि करणानियो केवल जीव के साथ कर्म संबंध की स्थिति बताएगा, बाकी ये संसार क्षेत्र रूप विश्व इसकी मर्यादा इसकी व्यवस्था कैसे चलती है, वस्तु व्यवस्था क्या है, विश्व की व्यवस्था क्या है, इन सबको समझाना है द्रव्य। द्रव्यनियम मतलब प्योर साइंस, रियल साइंस, वस्तु व्यवस्था क्या है, दुनिया क्या है, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, पंचास निकाय क्या है, बताता हूँ। और वो केवल ज्ञानी के आधार पर चलता है, वो कर्म की तरफ से नहीं चलता, तो केवल ज्ञानी तीन लोग तीन काल को जानते हैं,
तो तीन लोग तीन काल के पर्यायों के आधार से कहेगा कि इस समय ऐसी होनहार थी केवल ज्ञानी के ज्ञान में इसरो की जन्म थी और ऐसी होनहार थी उनके ज्ञान में जन्म थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी होनहार थी वस्तु का इसरो भी परिणाम था और ऐसे ही था ऐसे इसलिए उनके वैसे ही झलक जैसा होना होता है वैसा उनके झलकता है जैसा उनके झलका है वैसा नहीं होना है यहाँ पे झलक के कारण वैसा नहीं हो रहा ऐसी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि प्रत्येक द्रव की प्रत्येक तीनों काल की पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र अपने अपने काल में बिल्कुल निश्चित है कि इस रूप प्रत्येक वस्तु अपनी एक नियत मर्यादा में परिवर्तन करती है अपने स्वभाव में परिवर्तन करती है हर समय उसकी पर्याय कौन सी होगी वो बिल्कुल एक व्यवस्थित है तो क्रमबंध नहीं होता उसमें उद्गल है तो उद्गल के हिसाब से काम करता है कब उसको स्कंद बनना है स्कंद में कौन सा स्कंद बनना है फिर उसको कब परमाणु बन जाना है कब कौन से परमाणु के साथ जुड़ना है कब कौन से परमाणु से हला घटना है सब उसमें योग्यता है उसमें जैसे जीव में भी प्रत्येक समय के अंदर हर समय की उसमें योग्यता खचित है मानो कि उसको किस समय किस द्रव्य को जानना है किस गेय को विषय करना है किस समय उसको क्या जानना है ये भी उसकी योग्यता में खचित है। इस समय कौन हमारे ज्ञान का गेय बनेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते चाह के पुरुषार्थ ही उसको जानना भी पुरुषार्थ था उसको उसका निर्णय करना पुरुषार्थ था सबसे बड़ा कि ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है वो निर्णय नहीं होता ना मैंने हाथ पे हाथ धर के बैठना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मेरे हिसाब से भगवान ने वही पुरुषार्थ किया और कोई सब हाथ पे हाथ धर के बैठने का मतलब है वस्तु स्वरूप समझ के ज्ञाता दृष्टा बने की बुद्धि होना जगत का साक्षी भाव बन के रहना करने धरने के सब विकल्प खत्म हो जाए राग द्वेष वृत्ति समाप्त हो जाए क्षेत्र की व्यवस्था समझने के बाद में क्या रहता है अपने को दुनिया में किस किस की करने की जिम्मेदारी पुरुषार्थ मतलब क्या करना है अपने आत्मा का ही करने का पुरुषार्थ है ना कि लौकिक भी पुरुषार्थ है पुरुषार्थ क्या है कहते हैं वही जिनवाणी तो वही स्टेज की बात करें तो उस स्टेज में ना किस स्टेज में अपन अभी लौकिक में ना लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं अपन तो माइंडसेट तो वही है ना अभी आप उस स्टेज से देखो ऐसा है कि उसको वो तो उस मतलब वो क्षण भर भी करने को तैयार नहीं क्षण भर जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है वो जीव कौन घंटे भी ऐसा बैठ नहीं सकता मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट ही कर ले वो अध्यात्म का पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ तो आप कर ही रहे जो भी कर रहे 23 घंटे 55 मिनट लेकिन ऐसी ज्ञाता दृष्टा बनने की बुद्धि 5 मिनट भी उत्पन्न हो जाए ना तो वो लौकिक पुरुषार्थ अपने आप से समाप्त हो जाएंगे मतलब लौकिक में रस खत्म हो जाएगा और जब लौकिक रस खत्म होगा तो अपने आप इधर का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा अपन तो 24 घंटे करने की कहेंगे तो 5 मिनट करेगा उसमें क्या होगा 5 मिनट नहीं तो वही करो वही करो तो कर ही रहे ना उसके लिए उपदेश क्या देने की जरूरत है और लौकिक के पुरुषार्थ चलता कहाँ अपन इतना करते हैं क्या चल रहा असल खेल तो अपन अपने कर्म का उदय भोगते हैं यूँ कहो तो और यूँ देखो तो वस्तु का जैसा परिणाम होता है उसको देखते जानते रहते हैं हम भले ही कर करके दुखी हो लेते हैं वस्तु का परिणाम को कोई टाल नहीं पाता। दूसरी बात यह है कि हम परद्रव्य को अपनाने की कोशिश करते थे हम क्या हमारी बुद्धि विपरीत चल रही है परद्रव्य कोई अपना होता नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता और हमारी बुद्धि क्या चलती है हम पुरुषार्थ इसी बात को मानते हैं पर को अपना करना ये हमारा पुरुषार्थ मतलब विपरीत पुरुषार्थ है पुरुषार्थ के नाम पे अपन विपरीत पुरुषार्थ इसलिए तो जिनवाणी माँ कहती है कि बेटा पुरुषार्थ तो ये है पर को अपना नहीं मानना ये करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें मान्यता बदलना है और पुरुषार्थ के वस्तु स्वरूप है ये सब त्यार्थ वस्तु स्वरूप है छह द्रव्य का जो वस्तु स्वरूप है कि सब द्रव्य भिन्न-भिन्न स्वतंत्र है कोई किसी का नहीं है ये बात मानना और ये समझना ये है ये समझ में आ जाए तो इसमें मतलब ये समझ में आ जाए तो जीव सुखी हो जाए विपरीत मान्यता को छोड़ने में इसको कष्ट लगता है लेकिन वास्तव में विपरीत मान्यता को छोड़ने में सुख है शांति है
द्रव्य नियोक्तम पूरा वस्तु वस्तु स्वतंत्रता भेद विज्ञान छह द्रव्य इन्हीं की बातें करता है। केवल ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान देखा गया लोकालोक केवल ज्ञान के हिसाब से चलता है। छह द्रव्य है, छह द्रव्य की प्रत्येक समय की प्रणमन किस तरह से होता है खराब नहीं। अभी पुद्गल की बात करना, पुद्गल का प्रणमन क्या होगा कि स्पर्श रसगंध अनुरूप प्रणमन होगा अनंत काल बाद भी। अब कर्म तो ही नहीं उत्तर देगा इसका, कर्म से क्या उत्तर देंगे इसका, क्या होगा चरणा नियोग में क्या उत्तर देंगे, प्रथमा नियोग क्या उत्तर देगा इसका। मतलब हमें पुद्गल समझना है, धर्म अधर्म आकाश काल समझना है, तो उसके लिए तीन अनियोग क्या करेंगे। क्योंकि वो तीन अनियोग जीव के अलावा दूसरे पे लगते ही नहीं, और ये तो छह पे लगता है। उनका केवल छह पे लगता है, जीव के अनादि अनंत अवस्था को बताता है। प्रथमा नियोग जीव के अनादि अनंतता को इतना ही बोलेगा कि ये कई भावों से घूमते 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 यहाँ आया, वहां चालू करनी पड़ेगी उसको कहीं से स्टार्टिंग। और करना नियोग 70 गुणा गुणी सागर पीछे तक जाएगा। चरणानियोग तो इस भाव की इस भाव बता देगा कि ये पाप करते थे इसलिए इनका ऐसा हुआ, ये आदमी बहुत छल कपट करता था इसलिए अंदर हो गया। चरणानियोग पीछे की भाव की बात नहीं करेगा, चरणानियोग तो केवल वर्तमान भाव में आदमी का खोटा आचरण था इसलिए वो परेशानी में पड़ा, तो दूसरों को ठगता था इसलिए उसकी दशा हो रही है, आज झूठ बोलता था इसलिए उसको दंड मिल गया। लेकिन द्रव्यानियोग तो त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को विषय करता है, जीव द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा और फिर उत्पाद में द्रव्य से समझाएगा वो कि इसकी प्रत्येक अवस्था नहीं उत्पन्न होती है, पूर्व अवस्था वे होती है, जो वस्तु बराबर वैसी की वैसी कायम होती है, जैसी अभी कायम है वैसी अनादि से अनंत काल तक कायम है। ऐसे पूरी वस्तु व्यवस्था को खोल बताया दुनिया क्या है, असली स्वरूप असली दुनिया क्या है, दुनिया क्या कहती है वो एक असली छेद तो छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। छह द्रव्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, जीव की क्या स्थिति है उसमें, पुद्गल की क्या स्थिति है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, आकाश का ये सब बताते हैं। अपन कल पढ़ेंगे और उनमें दोष कल्पना आदि का क्या निराकरण है, वो सब आगे बढ़ेंगे।